महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से लगातार बीजेपी लीडर गिरीश सोमिया के द्वारा लगातार काफ़ी बड़े मंत्रियों को, जो कि महाराष्ट्र के बड़े मंत्री हैं उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के, उन मंत्रियों के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और कई बड़े मंत्रियों को एक्सपोज भी किया गया है, जैसे कि अनिल परब और हसन मुशर्रफ। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में गिरीश सोमिया ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने सीधा सीधा उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे के ऊपर निशाना साधा है, जहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि अलीबाग में उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ टाइम पहले 19 बंगले खरीदे थे और ये जो 19 बंगले हैं ये पूरे के पूरे रश्मि ठाकरे के नाम पे है, मतलब कि उनकी वाइफ उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे के नाम पे खरीदे गए हैं। और साथ में ही इन 19 बंगलों के साथ साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन भी खरीदी गई है, वो भी अलीबाग में। अब इसको लेकर इनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया है गिरीश सोमिया के द्वारा, जहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि मैं मंडे को सोमवार के जाऊंगा अलीबाग को विजिट करूंगा और इनके इन बंगलों की पड़ताल करूंगा, मतलब कि ये जो 19 बंगले उद्धव ठाकरे ने खरीदे हैं ये आखिरकार कहाँ से आए और कैसे आए और इतनी ज़्यादा मात्रा में बंगले कैसे उद्धव ठाकरे ने खरीदा है, इन सारी की सारी बातों को जो है इनके द्वारा बोला गया है कि मंडे को जाएंगे अलीबाग में और अलीबाग को विजिट करके वो कंफर्म करेंगे कि आखिरकार इनके पास इतने सारे बंगले कहां से आए। सीधा सीधा इनके द्वारा बोला गया है, मतलब कि उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे को लेकर भी ये खुलासा करने वाले हैं।